हस्बैंड और मेरी सास जो है ना बिहार जा रहे हैं, तो उसी की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ अभी फिलहाल। मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को तैयारी में, इसलिए कह रही हूँ कि ट्रेन का सफर जो होता है ना, मतलब कल चढ़ेंगे तो परसों पहुंचेंगे, उसी बीच के दौरान कुछ कुछ खाने की चीजें जो है ना वो बना रही हूँ मैं, और आज रात से स्टार्ट कर दूंगी। कल सुबह 10 बजे निकलना है, तो कल जल्दी से जल्दी उठना पड़ेगा मुझे और चीजें बनाने के लिए। लेकिन जो जल्दी जो अभी हम बना अभी मैं बना दूंगी उसको रख भी सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैं मूंगफली को भून लूंगी, उसके बाद चूरा फ्राई करके उसमें मैंने यहाँ पे चूरा भी फ्राई कर लिया है, मतलब इसको पोहा भी कहते हैं, और दूसरे बैच को डालने के लिए ऑयल रेडी कर लिया है, तो इसको भी तैयार करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, जस्ट अभी मार्केट से आई हूँ, रात के 10 बज गए हैं, और चिकन को मैं मैरिनेट करके चली गई थी, क्योंकि आते आते कितना वक्त लगता पता नहीं था, लेकिन चूरा और मूँगफली पहले ही भून के चली गई थी मैं, ताकि ज़्यादा काम ना रहे, क्योंकि कल सुबह टाइम नहीं मिलेगा। और ये जो मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ ना, इसमें जितने भी मसाले हैं वो सब चिकन चिली वाले मसाले हैं। मुझे बनाना चिकन चिली था, लेकिन क्या है ना, कैप्सिकम मिला नहीं मार्केट में, दैट्स व्हाई मैं सो गाइस, डिनर और रास्ते का सामान बनाने के बाद मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला, 11 बज चुके हैं रात के, तो मैंने कहा कि ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ना मेरे सामने, वो मैं पैक कर रही हूँ आपा को देने के लिए, मतलब मेरी मेरी मेरे जो हस्बैंड है उनकी बहन, सिस्टर इन लॉ मेरी, वो एक माह में रहती है, तो उनके लिए मैंने स्पेशली 2 ड्रेस स्टिच करी हैं खुद से ही। और आप जो दुपट्टा देख रहे हैं ना, इसको डिज़ाइनर लुक तैयार किया है मैंने, लेस और सूट सलवार का कपड़ा मिक्स करके कुछ इस तरीके से बनाया है, और लटकन वगैरह दे के, होप सो उनको पसंद आया। और इसके साथ अफगानी बनाया है, कोई सलवार या प्लाजो नहीं, अफगानी जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और हो सके तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो मुझे तो बहुत ही स्पेशली मुझे बहुत पसंद आया था, और उनको भी अच्छा ही लगा, क्योंकि दोनों कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं। इसके बाद जो है ना, मैंने एक पिंक कलर का गाउन नहीं, फ्रॉक सूट कह सकते हैं, इसी का दुपट्टा और ट्राउजर मतलब लेने के लिए ना हम लोग मार्केट मार्केट दौड़े, और दूसरे ब्लॉग में आपने देखा भी होगा कि दुल्हन के लिए और आपा के लिए हम शॉपिंग के लिए गए थे, तो आपा का सामान तो मिल गया, लेकिन जो दुल्हन के लिए थे ना हमने, उसको थोड़ा लेट लगा, दूसरे दिन मिल पाया। तो ये दोनों सेट मैंने तैयार कर लिया प्रेस वगैरह करने के बाद, फिर मैंने मम्मी को बुलाया और मैंने कहा कि ये दे दीजिएगा आपा को मेरी तरफ से। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है, और मैं फटाफट से चाय वाय बना देती हूँ, उसके बाद ट्रेन का नाश्ता और मॉर्निंग का नाश्ता दोनों एक साथ मैंने तैयार कर लिया है। अब बस बारी आती है पैकिंग की, तो सबसे पहले मैं चाय दे दिया है, उसके बाद मैंने कहा कि सारा खाना जो है ना डिब्बों में रख देती हूँ फटाफट से, ताकि लेट ना हो जाए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इस पिंक वाले में मैंने रखा है चना, जो कि प्याज और मिर्ची के साथ बनाया है, और इसमें रोटी है एज यूजुअल, और इसमें सब्जी है आलू की भुजिया, जो कि ऑयल में फ्राई कर दिया है, ये बेस्ट है ट्रेन के लिए। अब चलते हैं, यहाँ आया आज बिल्कुल एक्साइटेड हो रहा है कि अब जा रहे हैं ना पापा और दादी, लेकिन उसको अच्छे से पता नहीं है कि हाँ जाने ही वाले हैं। फिर मुंह में नहीं, और क्या खरीदेगा? लॉलीपॉप, यही खाना है इसका, लॉलीपॉप। धागे में। सो गाइज, अब निकलने का टाइम हो गया है, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।